नमस्कार दोस्तों, आज मैं हृदय के संबंधित उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता अपने होम्योटेक चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हृदय की बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि रोगी को पस्त कर देता है। जैसे हृदय में दर्द होना, उस दर्द के वजह से बाएं बाहू में दर्द हो जाना। दोस्तों, हृदय रोग एक ऐसा रोग है जिसके वजह से रोगी को श्वास कष्ट भी हो जाता है। श्वास कष्ट हो जाने के बाद रोगी चलने फिरने में, बात करने में असमर्थ हो जाता, जिसके वजह से रोगी परेशान हो जाता है। दोस्तों, इस हृदय रोग से रोगी को फिर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है। क्यों? कि जो हृदय पंप करता है वो पंप करके पहुंचाता है फेफड़े को, उस ब्लड को रिफाइन फेफड़ा करके और फिर हृदय देता है। जब हृदय का चाल अप डाउन होगा तो दोस्तों उसका ब्लड क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा हो जाने के बाद रोगी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाना। दोस्तों, जब रोगी रिलैक्स होता है तो चाहता है कि थोड़ा मैं जाकर सोऊं। जैसे सोने जाता है, नींद जैसे उसको आती है, वैसे ही उसको घबराहट बढ़ जाती है, बेचैन हो जाता है, नींद नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए क्रैकडेक्स ऑक्सी जादू जैसा काम करता है। दोस्तों, इस क्रैकडेक्स ऑक्सी का इलाज इस युग में बहुत ज्यादा विख्यात है। तो दोस्तों, अगर हम क्रैकडेक्स ऑक्सी का नियमित रूप से सेवन करें तो हृदय रोग जड़ से समाप्त हो सकता है। इसका उपयोग है दोस्तों 10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम। अगर 10-10 बूंद सुबह, दोपहर, शाम हम लेते हैं इस दवा को तो बहुत बेहतर होगा। कुछ केसेज में ऐसा होता है दोस्तों कि इसका डोज बढ़ाना ही पड़ता है। जैसे ज्यादा हृदय में दर्द हो गया, असहनीय दर्द हो गया, तो दोस्तों उसको हम 2-2 घंटे पर 10-10 बूंद ले सकते हैं। जब दर्द हमारा कंट्रोल हो जाए तो फिर नियमित रूप से सुबह, दोपहर, शाम उसको लें। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें ताकि मैं वीडियो फिर आप लोगों की सेवा में और बना सकूं, जो आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद।